सारे लगभग अनंतनाग से ही है, खासकर दुशुनपुरा से हम सबका ताल्लुक है। हम पिछले 7-8 साल से दुशुनपुरा एक स्टेशन भी चलाते थे, लेकिन यही जो फंक्शंस होती है, यही फंक्शंस में हम सभी एक साथ फिर से दिखते हैं। अदरवाइज सारे अपने अपने तरीके से बिजी रहते हैं, लेकिन यही फंक्शंस है जहाँ पे हम फिर से एक मतलब फिर सारे इकट्ठे होकर मिलते हैं। तो इस फंक्शन की मैं अगर बात करूंगा, दरी गुरु क्रिकेट क्लब शायद मुझे लग रहा है दुशुनपुर का सबसे बड़ा क्लब है, और जिन्होंने पिछले 2-4 साल में बड़ा नाम कमाया। शायद अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम 10 टीमों का चुनाव करेंगे तो मुझे लग रहा है शायद BCC दरी गुरु का भी नाम आएगा। चलो 10वें नंबर पर अगर आएगा, लेकिन आएगा, लेकिन इसका जो सारा क्रेडिट है मुझे लग रहा है कि जो रशीद साहब है या जो उनकी मैनेजमेंट है, सारा क्रेडिट जो है इन लोगों को जाता है। और अगर आप इस तरह की फंक्शंस करते हो, जो एक स्टूडेंट होता है वो पूरे साल पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम के बाद उसको जो उसको एग्जामिनर्स होते हैं वो इसको मार्क्स देते हैं या पोजीशन देते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो फंक्शन है ये आप लोगों के लिए एक एप्रिसिएशन है, जो भी काम आपने इस क्लब के लिए पूरे साल किया है। तो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इस क्लब की जो मैनेजमेंट है, बहुत कम ऐसी मैनेजमेंट होती है जो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उप्रशीद और उनकी टीम को कि अगर आप अपने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट कर रहे हो, हौसला अफजाई कर रहे हो, नो डाउट ये जो मेडल होता है, मोमेंटो होता है, ये तो यहाँ लकड़ी का बना होता है या तांबे का या दूसरे चीज़ों का, लेकिन एक इंस्पिरेशन, एक हौसला इस चीज़ से मिलता है। एक खिलाड़ी को हमेशा फिर लगता है कि नहीं, शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो मुबारकबाद फिर से देना चाहूँगा उप्रशीद साहब को कि वो इस तरह की फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दूसरे क्लब्स भी मोटिवेट होंगे और जो उनके खिलाड़ी हैं वो उनको भी अप्रिशिएट करेंगे ताकि वो क्रिकेट में आगे जाए, क्योंकि क्रिकेट जो है या स्पोर्ट जो है यह अभी प्रोफेशन बन चुका है। क्योंकि हम पहले कहते थे लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, लेकिन आजकल हम कहते हैं लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। क्योंकि लाजवाब अगर आप देखोगे, अभी परवेज रसूल बिजबिहारा से थे, लेकिन अभी पूरे कंट्री में या पूरे कश्मीर में फेमस है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट। अभी देखिए उमरान मलिक, कल तक उसको कोई जानता नहीं था, उसके डैडी जो है सब्जी बेचते थे, लेकिन आज क्रिकेट की वजह से मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में उसका नाम है। तो आप देखें अभी स्पोर्ट्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, एक स्पोर्ट्स ट्रेनर बन सकते हो, आप कोच बन सकते हो। तो ये भी एक प्रोफेशन बन चुका है, अगर आप लोग चाहे, जो भी लड़का चाहे तो, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। आपके पास सबसे पहले टैलेंट होना चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी फिटनेस होनी चाहिए। अगर ये चीज़ों में कमी है तो उनको बढ़ावा देना ज़रूरी है। हम अक्सर लोग समझते हैं कि शायद जब हम मैच खेलते हैं तो वहाँ पर ही सब कुछ सीखेंगे, ये चीज़ गलत है। जिस तरह एक बच्चा पूरे साल भर एक क्लास में उसको टीचर सिखाता है, फिर वो एग्ज़ाम देता है, वहाँ पे उसका रिजल्ट पता चलता है। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स में सबसे पहले आपको नेट्स में जाना है, वहाँ पे आपका जो टैलेंट है उसको डेवलप करना है। जब वहाँ पे आप डेवलप करोगे तभी आप वो जो आपने सीखा है उसको मैच सिचुएशन में एग्जीक्यूट कर पाओगे। नो डाउट जो मैच सिचुएशन होती है उसमें भी बहुत कुछ सीखना है आपको, लेकिन प्राइमरी है कि आपको पहले नेट्स में जाना है, वहाँ पे जो चाहे आपकी बॉलिंग हो, रन अप हो या बैटिंग में जो आपका स्किल है कोई भी, उसको आप वहाँ पे, लेकिन कोच जो होते हैं उनकी गाइडेंस में अपने आप को आप सही कर सकते हो। तो मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन या फोरम या जितने भी यहाँ पे क्रिकेट से लोग जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि जब तक कि हम प्रैक्टिस विकेट्स डेवलप नहीं करेंगे तब तक शायद जो हमारे खिलाड़ी हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं दाद देना चाहूँगा बिजबिहारा क्रिकेट एसोसिएशन को, जिन्होंने हाल ही में यहाँ पे टर्फ बनाई है बिजबिहारा में 2017 में। तो क्योंकि जिनको क्रिकेट खेलना है उनको यहाँ तो रणजी ट्रॉफी में भी टर्फ पे खेलना है, IPL में भी टर्फ पे खेलना है, इंटरनेशनल में भी टर्फ पे खेलना है। तो ये तो बात वही हो गई कि अगर मेरा कल एग्ज़ाम है साइनस पेपर का, तो मैं रात को मैथ या इंग्लिश की तैयारी करता हूँ तो नेचुरली वहाँ पे मैं फेल हो जाऊँ। तो सेम यहाँ पे जो हमारे क्रिकेटर्स है अक्सर पूरे साल मैट्स पे खेलते हैं, जब वही लोग फिर नेशनल लेवल पे जाते हैं वहाँ पे उनको टर्फ पे खेलना होता है तो वो अक्सर लोग वहाँ पे फेल होते हैं। तो बेस ज़रूरी है कि हमें पहले टर्फ को डेवलप करना, अगर टर्फ नहीं डेवलप कर पाएंगे कम अज़ कम हम ये जो
प्रैक्टिस विकेट है उनको डेवलप कर सकते हैं, वहां पे डर बना सकते हैं, ताकि जो हमारा टैलेंट है, जो हमें सीखना है, वो हम सही तरीके से सीखे। तो हाल ही में शायद 2 साल पहले यहाँ पे ये जो बजदार नहीं क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे कुड्डार, तो कुड्डार में शायद उन्होंने प्रैक्टिस विकेट दिया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अब तक उस पर काम शायद नहीं हुआ है। तो जितने भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि हम सबको इसके लिए लड़ना चाहिए कि यहाँ पे एक प्रैक्टिस विकेट हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पे प्रैक्टिस रोज कर सके। और खासकर कुड्डार में भी बन चुका है, तो यहाँ पे भी लोग आएंगे क्रिकेट खेलेंगे। और साथ ही मैं दाद देना चाहूँगा मेरे गुरु लाल मोहम्मद साहब का, क्योंकि 2 साल पहले हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम कोशिश करेंगे अपना जो हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो ये कि जितना हो सके हम स्पोर्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है वो ड्रग्स से पीछे रहे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कल्चर डेवलप हुआ है हमारे कश्मीर में स्पोर्ट्स का, शायद इससे पहले 10 साल पहले नहीं था, लेकिन आज है। तो मुझे लग रहा है जितने लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, सब तालियों के हकदार है, सारे लोग दाद के हकदार है। तो उम्मीद करेंगे कि जो हमारा समाज है वो ड्रग भी रहे और हमारे जो बच्चे हैं वो तंदुरुस्त रहे, क्योंकि हम कहते हैं अक्सर कि इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ बैलेंस इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट यू लास्ट एवरीथिंग। तो ये पहले कहते थे, लेकिन अभी कहते हैं कि इफ यू लास्ट हेल्थ यू लास्ट एवरीथिंग, क्योंकि तंदुरुस्ती ही सब कुछ है। हम कहते हैं साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी, एक तंदुरुस्त दिमाग जो है वो तंदुरुस्त जिस्म में ही हो सकता है। तो तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है हमें ग्राउंड्स में जाना है, एक्सरसाइज करना है, ताकि हम फिट रहे, ताकि जो हमारा दिमाग है, क्योंकि दिमाग की एक गाड़ी की कुंजी होती है एक इंसान की, तो उसी से हम चलते हैं। जब हमारा दिमाग सही होगा तो हमारे काम भी अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे स्पोर्ट्स में अगर खेलते भी नहीं है, एटलीस्ट एक्सरसाइज वगैरह हमेशा करते रहेंगे, ताकि अपने आप को फिट रखेंगे। तो आखिर में इस मैनेजमेंट का, DCC दरिगुन का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं उम्मीद करूँगा आगे भी इस तरह से आप अपने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करेंगे और इस तरह के फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।